गाइस टॉम क्लैंसी सीरीज हम सभी की बहुत ही फेवरेट सीरीज रही है, लेकिन कुछ टाइम से हम देख पा रहे हैं कि वो उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पा रही है। अगर मैं बात करूं टॉम क्लैंसी द घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड की या डिवीजन 2 की या घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट की, तो ये उतनी ज्यादा यूज सक्सेस नहीं रही। लेकिन एक सीरीज है टॉम क्लैंसी की जो आप सभी को यकीनन बहुत पसंद आई होगी, और वो गेम आई थी 1 दिसंबर 2015 में। गेम का नाम है टॉम क्लैंसी रेनबो सिक्स सीज, जो कि एक टैक्टिकल शूटर गेम है और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लेयर गेम है, और इतना ज्यादा मजा आता है उस गेम को खेलने का। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस उस गेम के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, और आज भी मेरा मन करता है कि यार जो भी अपने व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ खेलना चाहते हैं, तो हम दोबारा से प्लानिंग करें कि उस गेम की लाइव स्ट्रीम करें आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये गेम सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर दोनों ही मोड पर अवेलेबल है, लेकिन इस गेम को जो सबसे ज्यादा खेलना पसंद किया जाता है वो किया जाता है मल्टीप्लेयर के लिए। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, बहुत सारे लोग उसका कैंपेन नहीं खेलते, उसी तरह से टॉम क्लैंसी रेनबो सिक्स सीज का भी मुझे लगता है काफी लोगों ने शायद कैंपेन छुआ भी नहीं होगा उसका सिंगल प्लेयर मोड, और मल्टीप्लेयर को ही इंजॉय किया होगा। और सच बताऊं तो मल्टीप्लेयर ही इसका एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मोड है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि जब इस बार का E3 हुआ था यूबीसॉफ्ट का, तो उसने ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया था कि हम टॉम क्लैंसी रेनबो सिक्स सीज का सेकेंड पार्ट लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। और ये गेम आएगी दोस्तों नेक्स्ट जन कंसोल पर, प्लेस्टेशन 5 एंड एक्सबॉक्स स्कारलेट के साथ। आपको पीसी पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन पीसी यूजर्स के लिए मैं बता दूं कि जो गेम आप अभी खेल पा रहे हैं, जितने ग्राफिक कार्ड आपके सपोर्ट करते हैं, ये गेम काफी हाई एंड ग्राफिक्स की गेम होगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक पूरी जनरेशन चेंज हो रही है, प्लेस्टेशन 5 के लिए गेम सपोर्ट करेगी, तो उसके लिए आपको भी अपना पीसी अपग्रेड कराना होगा। बात करें दोस्तों गेम की स्टोरी की, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये गेम कहीं उस गेम का सीक्वल ना हो, तो दोस्तों पहली स्टोरी से ये गेम बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, एक तरह से बिल्कुल न्यू गेम होगी जिसका प्लॉट हमें बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि मल्टीप्लेयर के साथ साथ इस बार जो आपका सिंगल प्लेयर मोड है उसके कैंपेन मोड पर भी अच्छे से फोकस किया जाएगा, यानी कि आपको एक पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं पहले पार्ट में मिसिंग थी। जहां तक बात करें इसके गेम प्ले की, तो आपको पता ही है कि टैक्टिकल शूटर से हमें पता चल जाता है कि गेम को हमें बहुत ही केयरफुली खेलना होता है, और यहाँ पर आप ये नहीं कि धूमधड़ाका कर सकते हो, एक्शन एडवेंचर कर सकते हो, एक्शन एडवेंचर भी होगा लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ चलना होता है। तो वही चीज यहाँ पर और एडवांस लेवल पे अब कर दी गई है। यहाँ पर आपको स्नाइपर का भी खास रोल देखने को मिलेगा, बहुत सारे मिशन ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ आप स्नाइपर से ही कंप्लीट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्रोन को भी काफी एडवांस कर दिया गया है, और भी जो वेपन्स हैं, ग्रेनेड हैं, उन्हें भी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये रियल वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। और मजे की बात दोस्तों, यहाँ पर गेम प्ले को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर आपको फाइटर जेट्स एंड प्लेन भी देखने को मिलेंगे, जिनसे आप पूरा कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी कि आपको लैंड करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मिशन उसी के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे। जहां तक ग्राफिक्स का सवाल है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ग्राफिक्स को और ज्यादा रियल बनाने के लिए रियल लोकेशन का यूज किया गया है, कुछ रियल कैरेक्टर्स लिए गए हैं गेम के अंदर, जो हमें तो उसी टाइम पर जब उसका टीजर या ट्रेलर अच्छे से लॉन्च किया जाएगा तब पता चलेगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको रे ट्रेसिंग का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन दिखाई देगा। और लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं इस गेम के साइज की, तो जैसे कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में भी, जितने भी गेम के साइज अभी आपको देखने मिलते हैं करंट कंसोल पर, वो सब होते हैं 50 GB के अराउंड। लेकिन अब जो प्लेस्टेशन 5 पर जो गेम आएगी, उसका मिनिमम जो साइज होगा वह अराउंड 150 GB के आसपास होगा, और ये गेम बताई जा रही है कि 200 GB तक भी अपना साइज कंज्यूम कर सकती है। तो आप तैयार हो जाइए इस चीज के लिए कि अगर आप पीसी पर इस गेम को खेलने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि टॉम क्लैंसी सीरीज की सबसे फेवरेट गेम आपकी कौन सी है, और अगर आप रेनबो सिक्स सीरीज खेलते हैं तो इसमें कौन सा मोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। फिर इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।